ताजनगरी आगरा में बदमाशों ने मंगलवार शाम को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। थाना सदर क्षेत्र के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक से करीब 58 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने लूट की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब बैंक को बंद किए जाने की तैयारी चल रही थी। जब तक बैंक कर्मी कुछ समझ पाते, बदमाशों ने हथियार लहराते हुए सभी कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाश कैश बॉक्स से रकम लेकर भाग निकले और बैंक कर्मी अलार्म भी नहीं बजा सके। 5 बजे के आसपास की घटना है। बाकी अभी मैंने जब अपने फोन में रिकॉर्ड देखा कि मैंने, क्योंकि सारे घटना के बाद सबसे पहले पुलिस को फोन किया, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि 4:50 के आसपास वो लोग आए होंगे ब्रांच में। 4:50 से लेकर के 5:05 पे वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो लगभग 15 मिनट में पूरी घटना को उन्होंने वो कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि बैंक एटीएम में पैसे ना होने के बहाने, एटीएम में पैसे थे, एटीएम में पैसे हैं, अभी भी हैं, एटीएम से वो नहीं लूट पाए हैं, एटीएम में अभी भी पैसे हैं, एटीएम में पैसे था, एटीएम में कोई इशू नहीं था। लेकिन एक्चुअली शाम को कस्टमर आवर्स के बाद में हमारी ब्रांच बंद हो चुकी थी कस्टमर्स के लिए। लेकिन हम लोगों को सिस्टम बंद करने से पहले, हमारा मतलब ईओडी जो बोलते हैं हम लोग, एंड ऑफ द डे हम लोगों को करने से पहले एटीएम में C3R करके एक टर्म होती है, एक एंट्री हम लोगों को करनी होती है एटीएम, वो सिस्टम बंद करने से पहले हम लोगों को करना होता है। तो मेरे ऑफिसर शटर खोल करके बाहर वो काम करने गए थे, बाहर ऑफिसर। लेकिन वो जैसे ही बाहर गए हैं, वहीं से दो लोगों ने उन पर चाकू के साथ में, चाकू के बल पे उनको दो लोग अंदर की तरफ ले आए वापस। उनके पीछे पीछे दो लोग और आ गए हैं और उन्होंने उनमें से, जैसे दो लोगों के पास चाकू था, दो के पास में पिस्टल या तमंचा जो भी कुछ बोलते हैं वो था उनके पास में, और आकर के उन्होंने कैशियर के सामने वहाँ पे तान दिया, एक मेरे सामने जो मैं काउंटर पर बैठी थी मेरे ऊपर तान दिया, और ऑफिसर को तो पहले से ही वो करके लाए थे, हम लोगों का हैंड्स अप करके हम लोगों को साइड में आने को कह दिया कि आप फोन वगैरह सब साइड में छोड़ के। तो आपका चेस्ट से करेंसी लेके गए हैं कि कैशियर पॉइंट पे था, क्या था? हमारा दोनों जगह था, काउंटर पे भी था और अंदर पे भी था। लॉकर वगैरह से भी कोई छेड़खानी हुई? लॉकर वगैरह से कोई, ज्वेलरी वगैरह भी कुछ? तो आपने कोई एक मेरे गले में चेन थी, वो चेन वो लेके चले गए। पैनिक अलार्म होता है, एक व्यवस्था होती है, अलार्म था, लेकिन सामने जो वो गन लेकर के आएंगे, अगर मैं उस टाइम पर अगर अलार्म को प्रेस करूंगी तो दैट मींस वो शूट कर सकते थे सीधा। तो वो और मेरे स्टाफ के, तो उन्होंने चाकू लगाया हुआ था, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ भी करती तो उसको भी हार्म कर सकते थे। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने बैंक परिसर में जांच पड़ताल की। एसपी सिटी ने बताया कि 4 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। बदमाश 50 लाख से अधिक रकम लूट कर ले गए हैं। बैंक परिसर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया जा रहा है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, थाना सदर क्षेत्र में रोहता एरिया में एक बैंक पड़ती है, इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पे ब्रांच है। इस ब्रांच में आज एक लूट की घटना की न खबर मिली थी। मौके पे फील्ड यूनिट और पुलिस इत्यादि को न बुलाया गया है, परीक्षण किया जा रहा है कि क्या कैसे कैसे वो लोग आए थे, कैसे ये घटना हुई थी। 4 लोगों की सूचना यहाँ पे मिल रही है कि 4 लोगों ने इस घटना को मिल के कारित न किया है। जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और पूरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। देखिए, कैश अभी अनसर्टन है, पर 50 लाख से ऊपर की कैश की ये लूट बताई जा रही है। जैसे क्लियर होगा वो बता। क्या असला कुछ उपयोग में लाए गए थे, कुछ कट्टा भी था और संभवतः इसमें छुरा और इत्यादि का भी इस्तेमाल किया था। किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। इस वारदात के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी है, वाहनों की जांच की जा रही है और पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में घेराबंदी कर रही है। ग्वालियर हाईवे और मथुरा रोड को जोड़ने वाले दक्षिणी बाईपास और शमशाबाद रोड पर खास तौर पर तलाश चल रही है। आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।